फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज जो मेरी ब्लॉग है वो 12:30 से शुरू हुई है, क्योंकि सुबह ना थोड़ी सी कुछ मेरा नुकसान हो गया था आज, तो उस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं करी। क्योंकि पहले मैं देख रही थी भाई ये नुकसान क्यों हुआ, तो उसी में करी थी, फिर उसका कंप्लेंट वगैरह भी करी थी। वो नुकसान क्या है वो मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। एक्चुअली क्या था कि मैंने साइकिल खरीदी थी, मैंने उस वक्त ब्लॉग भी बनाई थी उसकी फ्लिपकार्ट से, ठीक है, बच्ची की साइकिल थी। तो पहले जब ये साइकिल आई थी ना, तो उस समय ही मुझे ना इसके ब्रेक थोड़े से ढीले लग रहे थे, तो मैं सोची थी रिटर्न कर देती हूँ। लेकिन फिर सब ने बोला नहीं, ठीक है ब्रेक शायद हो सकता है ऐसे ही हो रहे हो, मैंने रख ली। मुश्किल से अभी पता है 10 दिन भी नहीं हुए हैं उस साइकिल को लिए हुए, और मतलब कॉलोनी में क्या करा, कॉलोनी में चलाया इधर ऐसे करके, तो इसने ब्रेक मारा होगा, तो वो पता है पूरा आगे का जो टायर होता है लोहा सहित ही टूट गया। तो सोचिए आपकी कितनी घटिया क्वालिटी की चीज़ मुझे मिली है, और हेल्प भी मुझे कुछ नहीं मिल रही है, ना फ्लिपकार्ट की तरफ से कोई हेल्प मिल रही है, ना ही जो सेलर है उसकी तरफ से कोई मुझे हेल्प की जा रही है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम सेलर का नंबर तुमको प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये हमारी पॉलिसी में है ही नहीं। तो अब देखिए मेरे को तो नुकसान हो गया, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि कोई भी ऑनलाइन ऐसी चीज़ें ना ले, क्योंकि इसमें क्या होता है अगर हमने दुकान से ली होती तो हम शायद दुकान वाले के पास जा लेते, लड़ लेते, कुछ भी कर लेते, ठीक है। लेकिन अब ऑनलाइन लिया तो हम लड़ भी नहीं सकते। मैं आपको दिखाती हूँ साइकिल का क्या हाल हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, साइकिल का क्या हाल हुआ है। देखिए ये इस तरीके से आगे का ना, देखिए पूरा का पूरा टायर यहाँ से निकल गया। इसने दिखाना था ऐसे करके, ये देखिए, और टायर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है टायर, ये देखिए आप, ये मतलब ये पूरा यहाँ से ही, ये देखिए जो ये है ना इसका, ये पूरा ही देखिए टूट गया ये ऐसे। अब आप सोचिए इतनी भारी चीज़ एक 4th क्लास का बच्चा कैसे तोड़ सकता है, तो उसकी क्वालिटी कितनी घटिया होगी। और कॉलोनी आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कहाँ चलाता था साइकिल, ठीक है। ये देखिए पूरा हट गया, ये यहाँ से पूरा, ये देखिए इधर से पूरा यहीं से उखड़ गया। ये पता नहीं कैसे चिपका था, भगवान जाने क्या था। ये देखिए, ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा ना, ये वाला, ये इस तरीके से है, यहीं से तो है, टूटा है वो ऊपर से। अच्छा अच्छा, ये ना, ये देखिए यहाँ से टूटा हुआ है ये। उसके ऊपर तो दिख रहा है ब्राइट येलो, रेड है, तो ब्लैक दिख रहा है। कौन सा ब्लैक? ब्लैक, अरे इसके ऊपर है ये, है ना, ये देखना, यही तो कह रही हूँ मैं, यहाँ से पूरी उखड़ गई। आप सोचिए, लेकिन ये इतनी सी बेंडिंग में थी यार ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ से मतलब ये पूरी की पूरी यहीं से निकल गई है, ठीक है, ये पूरा का पूरा, और मतलब टायर पूरा अलग हो गया। और ये है साइकिल, है, अब आप देखेगी मतलब बच्चे ने कितनी स्पीड में चलाई होगी साइकिल, आप खुद सोचिए कितनी स्पीड होगी बच्चे की, 4th क्लास का बच्चा कितनी स्पीड में चला लेगा। अगर इतनी हल्की स्पीड में चलाने के बाद साइकिल से टूट जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्वालिटी मुझे प्रोवाइड करी गई होगी ना। मेरा तो नुकसान हो गया, फ्लिपकार्ट इसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी वैसे 7 दिन की होती है, वो ख़त्म हो चुकी है। और मैंने उनसे कहा कि सेलर का नंबर प्रोवाइड करो, तो वो मुझे प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो मेरा तो नुकसान हो गया। अभी तो बच्चे के लिए दूसरी साइकिल लेनी पड़ेगी। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि भाई ऑनलाइन ऐसी चीज़ें ना लें, शॉप से लें, जिससे कि आप अच्छी तरह देख सकें, क्वालिटी देख सकें, ठीक है ना। क्योंकि ये ऑनलाइन मंगाने के बाद फिर यही हाल होता है। देखिए अब मेरे पैसे भी गए और साइकिल भी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि शौर्य ने कहाँ ये साइकिल चलाई थी। ऐसी जगह में साइकिल चलाते वक्त ये हो जाए तो ये तो बहुत बड़ी बात है नहीं। आपको मैं दिखाती हूँ बाहर, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कॉलोनी। देखिए ये है रोड, ठीक है, यहाँ से सिर्फ सॉरी यहाँ से चलाई, सिर्फ वहाँ तक जाता है बस, वो जो ये ब्लू रंग की देखिए कार खड़ी है यहाँ, यहाँ से मैं उसको रिटर्न करवा लेती हूँ, क्योंकि आगे ना डॉगीज़ हैं, तो शौर्य मेरा आगे नहीं जाता, क्योंकि बहुत सारे डॉगीज़ हैं, तो वो ना कभी कभी बच्चों को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो ये जो चौराया है ना, मैं दिखाती हूँ, ये वो वाला चौराया, ये यहाँ पे, यहाँ तक जाता है शौर्य, और यहाँ से फिर वापस आ जाता है, ठीक है ना। अब आप देखिए कितना है ये, यहाँ से वहाँ, वहाँ, ठीक है, और वहाँ से यहाँ, बस इतना ही, ठीक है। अब सोचिए आप कि इतना ही बच्चा चला रहा है, ठीक है, बाकी बात मैं अंदर कर चुकी हूँ, बाहर बहुत धूप हो रही है। मैं आपको दिखाया कि इस रोड से उधर तक और उधर से इधर तक सॉरी सिर्फ इतनी साइकिल चलाता है, क्योंकि उधर से आगे मैं उसको नहीं भेजती हूँ। स्नेहा एक काम करना बेटा, वहाँ गैस बंद कर देना। तो फ्रेंड्स मैं उसको ज़्यादा आगे नहीं भेजती, क्योंकि ना उन्हें बहुत सारे डॉगीज़ हैं, और वो क्या करते हैं, जैसे बच्चे साइकिल वाइकिल चलाते हैं तो वो उनके पीछे लग जाते हैं,
तो मुझे डर लगती है। तो जब मेरा बेटा साइकिल चलाता है तो मैं बाहर ही खड़ी रहती हूँ, और मैंने इसको बोल रखा है कि, और खुद सौर्य भी बहुत डरता है डॉगी से, वो एक भी नहीं है, कम से कम 7-8 है, ठीक है, वो परमानेंट है, वो ब्लैक कलर के हैं सारे, वो काट देते हैं, तो सौर्य नहीं जाता आगे। अब सोचिए आप इस कॉलोनी में बच्चा कितनी स्पीड में साइकिल चला लेगा, जो फ्लिपकार्ट वाले मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो अब इतना ही चलाने में मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हो रहे साइकिल को, और साइकिल का ये हाल हो गया है। तो अब दुख तो देखिए, अब 3,000 हो या 5,000 हो या 8,000 हो, इंसान का पैसा जब जाता है तो दुख तो होता ही है। साथ में चलो पैसे का तो नुकसान हुआ ही हुआ, बच्चे को भी बुरा लग रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें नई साइकिल लानी पड़ेगी। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इस समय मेरे पास टाइम भी नहीं, क्योंकि मुझे जाना है सिस्टर की मैरिज में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैरिज से आने के बाद ही उसके लिए साइकिल ले पाएंगे, और साइकिल उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉलोनी में ना सारे ही बच्चे साइकिलिंग करते हैं, तो वो आजकल बहुत रोज उसने मेरा जीना हराम कर रखा है कि साइकिल लाओ साइकिल लाओ। तो ये चीज़ ना अच्छी नहीं होती। देखिए मैं फ्लिपकार्ट को भी बोलूँगी कि भाई हम विश्वास करके आप लोगों से प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो जो भी आप सेल करें या जिस भी सेलर से आप करें, या तो आप उसका नंबर भैया फिर कस्टमर को प्रोवाइड करवाएं कि जिससे हम उनसे बात कर सकें, या फिर आप खुद उसकी मतलब पूरी इंफॉर्मेशन हमको दे, या खुद गारंटी ले इस बात की। अब हमने सामान खरीदा तो हमारे तो पैसे भी गए, ठीक है, हमारे तो वो कूड़ा कबाड़ हो गया ना पूरा का पूरा। अब मेरे तो पैसे भी चले गए हैं, और दूसरा मुझे कोई, अब मेरे को बुरा इस लग रहा है कि काश मैंने अपने हस्बैंड की बात मान के बाजार से साइकिल ले ली होती। तो क्या होता है ना, अगर अभी बाजार से हमने ली होती तो हम दुकान पे जाके 10 चीज़ें बोल सकते थे कि भाई ऐसे कैसे टूट गई है, क्या हुआ था, लेकिन ऑनलाइन में तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो भाई मैं तो आज के बाद ऑनलाइन से साइकिल वगैरह या ऐसा सामान नहीं खरीदूंगी। हाँ भैया बेडशीट हो गया, घर का सामान हो गया, इसके अलावा मैं मोबाइल्स वगैरह या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या फिर इस टाइप की चीज़ मतलब कि साइकिल वगैरह नहीं लेने वाली, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब हो चुका है। और ये होता है कि फर्स्ट टाइम पे तुम्हारे पास कोई गलत चीज़ आती है तो बहुत अजीब फील होता है। चलिए कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। और आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप भी ऑनलाइन ऐसी चीज़ें ना खरीदें, दुकान से जाएं, दुकान से खरीदें, खुद देखें, क्वालिटी देखें, किस टाइप का सामान दे रखा है, उसके बाद ही सामान को दें, ठीक है ना। तो चलिए अभी मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और सौर्य खेल रहा है, तो आपसे मिलती हूँ दोबारा। ये देखिए फ्रेंड्स, सौर्य कौन सा मंत्र पढ़ रहे हैं अभी बैठ के। सौर्य का घर पेपर है, इसने सॉरी का अगर पेपर है, सॉरी मंत्र लिखना हाथ में है, सॉरी इस मंत्र को लिख के तू पास हो जाएगा ना। मेरी कॉपी किधर है, उसे टेप टेप के हाथ में लिख, और कल तक बच जाएगा ये। और अगर मैंने तेरे को देख लिया ना ये हाथ में लिख रखा, मैं पेटेगी। और देखो सॉरी ने सामने से क्या रखा है अपने, ये सॉरी पता है फ्रेंड्स पार्ले जी बिस्कुट क्यों खा रहा है, क्योंकि यार सॉरी कह रहा है इससे ब्रेन बढ़ेगा मेरा। क्या बढ़ेगा सॉरी तेरा, खा के खाना खा के चुपचाप सो जाएगा, बोल क्यों। और आज खेलना नहीं होगा, सॉरी मेरा कल पेपर है। तो मेरे का कांड ही कुछ मुझे पता चल जाऊंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा, हो सकता नहीं हो सकता बेटा, पढ़ाई नहीं करेगा तू, एक बार फाइनल रिवीजन टेस्ट देगा ना। 7 बजे दोगे ना वो कौन फाइनल टेस्ट, तो अभी तो तू 4 बजे उठेगा सोकर, ठीक है, फिर तू 4 से 5:30 तक पढ़ लेना, 5:30 तू खेलने चले जाना, 7 o'clock आएगा, 7 o'clock में तो फाइनल टेस्ट देगा, तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन तब खत्म होगा जब 4:30 पढ़ने बैठोगे, क्योंकि थोड़ी सी वो जो वाली स्पेलिंग्स रह गई ऊपर की, तो वो कर दिए 5 spellings, उसके बाद तू फ्री, फिर तू जो मर्जी कर ले। और जब तुझे बिस्किट नहीं खाए तो सारे बिस्किट निकाले क्यों, मैं भूत हूँ नहीं, मैं भूत हूँ। The animal. जी देखो फ्रेंड हाथ कैसे कर रही है, पसीना देखो उसको पसीना, क्रिकेट खेल के देखो, घर के अंदर क्रिकेट खेलने वाला पहला इंसान, नहा ले जाते पानी रखा बाहर जा। ये बाल देख मुझे बनाऊ, मुझे ऊपर होती है यहाँ नीचे होती है, इसको ये नहीं पता, इसने देख तो बाल ठीक करके मुझे बनाऊ, मुझे ऊपर होती है, नहीं मुझे ऊपर होती है, कैसे काटना पड़ेगा ना, गंदे हाथ लगाऊं, गंदे हाथ मत लगाना यार, जैसे पानी जो तू नहा ले पहले ना, जा ना तो अरे कल स्कूल है ना फिर, और कल वो है ड्रेस वाइट, अरे स्निया भूल गई मैं, वाइट शूज धो फटाफट बाहर, सूख जाएंगे बहुत तेज धूप, इंसान सूख जाए, अरे सूख जाएंगे तू कर दे जा, इंसान सूख जा, अरे बहुत गंदे हो रहे मैम क्या बोलेगी, अरे बहुत गंदे हो रहे बेटा, कुछ गंदे हो रहे हैं जा, कुछ नहीं बोलती मैम, नहीं आलसी कितनी है यार, नहीं बोलती मां बेटा, फिर भी इंप्रेशन भी तो कोई चीज होती है, मैम क्यों बोलेगी, जा तू नहाने चले जा। तो फ्रेंड मैं भेजती हूँ उसको नहाने के लिए,
तो फ्रेंड्स आज मैं अपनी ब्लॉग को यहीं पर कर देती हूँ एंड, ठीक है, क्योंकि ना शौर्य के चल रहे हैं पेपर और अभी ना 11 बजे क्योंकि मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए थे तो 11 से लेके 1 बजे तक मैंने उन्हें ट्यूशन पढ़ाया क्योंकि कल ना इन लोगों के यूनिट टेस्ट है। तो अभी शौर्य का भी जस्ट अभी पढ़ाई शुरू ख़त्म हुई है, मतलब उसका थोड़ा पेपर वेपर था वो उसने कंप्लीट किया है, तो अब उसको मैं भेज रही हूँ नहाने के लिए और लंच मेरा ऑलरेडी तैयार हो चुका है तो सबको करवाती हूँ मैं लंच। शौर्य चले गया नहाने, तो मैंने सिर्फ आज ये ब्लॉग सिर्फ इसीलिए बनाई थी क्योंकि दो दिन से ना मेरी तबीयत ठीक थी तो ब्लॉग बन भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज मैंने स्पेशल ब्लॉग ये सिर्फ साइकिल की वजह से बनाई कि मैं लोगों को बताऊं कि भाई ऑनलाइन सामान लेने से क्या दिक्कतें आ सकती है, हो सकता है किसी को ना भी आती हों और हो सकता है किसी को आती भी हों, ठीक है, सबकी अपनी अपनी देखिए वो है कि किसके पास क्या क्वालिटी आ जाती है। तो मैं अपनी ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को पूरा देखें, हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, लोगों तक ज़रूर बताएं क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।